तो नमस्कार, प्रेमचंद मुंशे की कहानी ईदगाह में इसका लघु कथा के रूप में प्रस्तुति करता हूँ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आ रही है। महमूद, हामिद, नूरे, मोहसिन सभी पैसे गिनती करते हैं। हामिद की माँ और पिताजी का देहांत हो गया है। वो अमीना दादी की गोद में सोता है। अमीना बताती है कि आज हमारे बेटे जीवित होते तो ये ईद निगोड़ी नहीं जाती। सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए निकलते हैं, उनके साथ हामिद भी जाता है। इसके पास सिर्फ 3 पैसे है। आगे जाते हैं, पक्का रोड सड़क आती है, बाग बगीचे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सभी ईदगाह पहुँचते हैं। रास्ते में पुलिस लाइन आती है, वहाँ पुलिस कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। इनको देख के हामिद मोहसिन से कहता है कि ये पुलिस चोर को क्यों नहीं पकड़ती। वो बताते हैं कि पुलिस भी इनसे कुछ न कुछ लेते हैं, इसलिए इन्हें कौन पकड़ेगा। सब ईदगाह जाते हैं। ईदगाह में गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता। ग्रामीण लोगों ने वजू किया और सभी एक साथ ईदगाह में सिजदे करने के लिए झुके हैं। नमाज पूरा होने के बाद सब एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। सब आगे मिठाई की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ गाँव बोलते हैं। मोहसिन और नूरे मिठाई लेते हैं, घोड़े ऊँट पर बैठते हैं। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे है, उसका मन ललचाता है मिठाई खाने के लिए। मोहसिन उसे रेवड़ी खा ले ऐसे करके ललचाता है। सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने लिए। मोहसिन ने मुश्ती ली, नूरे ने वकील लिया और हामिद ने कोई खिलौना नहीं लिया। आगे जाते हैं, लोहे की दुकान आती है, वहाँ हामिद रुक जाता है। उसने चिमटा देखा, उसकी दादी अमीना जब रोटी तवे से सेकती है और उतारती है तब हाथ जल जाते हैं। हामिद ने सोचा कि चलो अमीना के लिए ये चिमटा ही ले लिया जाए। हामिद ने दुकानदार से पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो दुकानदार ने बताया कि इसके 5 पैसे कीमत है। तब हामिद के पास 3 पैसे ही थे, तो उसने दुकानदार को बोला कि 3 पैसे में देना हो तो दो, तो मैं खरीद लेता हूँ। दुकानदार ने हामिद को 3 पैसे में चिमटा दिया। सभी अपने अपने घर आते हैं, खिलौने अपने घर में बताते हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर आती है और मुश्ती मोहम्मद से मोहसिन से सिल लेती है और उछलती है। मुश्ती नीचे गिर जाता है, वो मिट्टी का होने से टूट जाता है। दोनों भाई बहन में मारपीट होती है। उसकी अम्मा ने सुन लिया तो इन्होंने आकर दोनों को दो दो चाटे लगाए। मोहसिन ने कहा कि अच्छा हुआ अपने भी चिमटा लिया होता तो ये हामिद ने जो चिमटा लिया तो टूटने वाला नहीं है। हामिद को अमीना डांटती है, कुछ खाया न पिया
पर ये चिमटा लेके आया, तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली। वो रोने लगी। हमिद ने बताया, दादी तुम जब रोटी सेकती हो तब तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैंने ये चिमटा खरीदा है। अमीना का गुस्सा शांत होता है। कितना त्यागी है मेरा ये बेटा, इस कितना सद्भाव है इसमें। उसने मेरी खातिर कुछ न खाया न पिया और न खिलौना लिया और मेरे लिए ये चिमटा ले आया। अमीना को अपने बुड्ढे हमिद की याद आती है। वो इस छोटे हमिद में बुड्ढा हमिद को देखती है और रोते रोते हमिद को दुआएं देती है। छोटे हमिद को ये रहस्य का क्या पता। मित्रों, धन्यवाद।